उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की भी नींव रखी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव हमें नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरदार अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि सरदार अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्म भूमि के रूप में अपने पैतृक जन्म भूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में, लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर सरदार अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ